शरद के बिहाफ पे, चारुल के बिहाफ पे, पूरी टीम के बिहाफ पे शुक्रिया कि ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है और आप लोग इसे देख पा रहे हैं क्रूनर्स म्यूजिक के तौर पर। एक लेबल है जिसे बहुत ही दिल से लॉन्च किया गया है और जो दिल से लॉन्च की जाती है चीजें वो दिल पे दिल को छू जाती है। सो सब दिल दिल जान सब लगा दिए। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और थैंक यू सो मच गाइस। आप हैं तो मैं हूँ, हम सब हैं, मेरी मीडिया फैमिली है जिसके बिना मैंने कभी कुछ नहीं किया। और ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है यहाँ पे जो चुपचाप कर रही है, आइए आइए, जो मैं जो डायरेक्टर हो गया चुपचाप जाओ 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 जाओ, आइए आइए सर आइए आइए, कम 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 गाइस, इतने शर्माते हो यार, ये मेरी पूरी फैमिली है गाइस, काम यार बहुत मेहनत की है इन सब ने यार, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस पीपल, लवली टीम, माय डीओपी, म्यूजिक डायरेक्टर वॉइस जया, वसु, आदुषी, आशीष, कम 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 कम, एंड रुपेश आइए, फ्रेजर द कैप्टन ऑफ द शिप जी। तो इंट्रोडक्शन करना था मैं बीडीएस के बाद, चलिए ये देखिए इंट्रोडक्शन फिर से हो जाएगा, बट आई थिंक विदाउट फर्दर डिले लेट्स वॉच द बीडीएस एंड देन द ट्रैक दिल ने साधवा, दिस इज योर्स, एंजॉय, थैंक यू। हो गया है पार्ट थ्री शूट होना बाकी है, तो कहानी अभी पहले पार्ट में देखते हैं। कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे, किसी ने भी नहीं देखा है अभी तक, देखने वाले। तो पहला पार्ट जब अभी देखेंगे उसके बाद दूसरे पार्ट के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया। ठीक है, मुझे तो कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया है। तो अभी पहले तो पहले देख लेते हैं, पहले पार्ट देख लेते हैं, हां देख लेते हैं फिर उसके बारे में। ओके फाइन, सो दिल निसार हुआ गाइस, लेट्स गो, वन ऑफ आवर वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज़ ये गाना जो है हमने कुछ नहीं काफी महीनों पहले शूट किया था और उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि शायद ये रिलीज नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि डेफिनेटली यू नो वी वेरी पॉजिटिव कि कुछ भी हो जाए हम रिलीज करेंगे और हर हाल में रिलीज करेंगे और आप सबके साथ रिलीज करेंगे। सो यस, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस एंड आई कैन सी मैनिफेस्टेशंस कमिंग थ्रू, सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल पीपल आउट देयर, स्पेशली माय टीम, आई वांट टू कॉल माय टीम हियर, आई वांट टू स्टार्ट विद माय डीओपी प्रेम सर, प्लीज आइए सर, आप पूरे अच्छा स्मोक करने गए, सॉरी गाइस, प्रेम सर बट वी स्टिल लव यू, इट्स ओके। ओके सो प्रतीक गांधी द म्यूजिक डायरेक्टर द कंपोजर, thank you so much aapne jo dhune hame di hai guys, I think big round of applause for this guy, he's supremely talented, he's doing great work right now in the industry, do nine ho jaye kyunki javed bhai to hai nahi yahan par, to aapke liye aapko bhi gaane hai, sharad bhi gaane hai, iske baad mein jitne bhi gaane hai pehle dance tum par ye dil nisaar hua एक पल में सौ सौ बार हुआ, तुम पर ये दिल निसार हुआ, एक पल में सौ सौ बार हुआ, तुमसे हुई सच्ची मोहब्बत, तुमसे हुई सच्ची मोहब्बत, इश्क ना फिर तेरे बाद हुआ, इश्क ना फिर तेरे बाद हुआ। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, आई वांट टू कॉल जया प्लीज आइए, ये इधर इधर ये बीच में है यार, आप इतनी डरी हुई क्यों हो गई हैं, डेब्यू सॉन्ग है, डेब्यू एल्बम, हर डेब्यू प्रोजेक्ट एंड बहुत डरी हुई थी जब ये आई थी फर्स्ट डे, एंड आज जब मैं देखता हूँ तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल सेट टू टेक ऑन द इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड एंड विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट, हाउ डू यू फील, इट्स योर मोमेंट। I don't know how to express my emotion right now. I'm seeing this video actually, and
it got released today. I can't believe actually it got released, and it's really a very special and a big day for me, and really my emotions are like very up and down. I don't know what to say. Sharad is our debut music video. So how was the experience? इन्होंने तंग किया कि कैसे गुस्से वाले थे शुक्रिया मैंने लेकिन ये अच्छे बोले थे पैसे भी दिए गए अच्छा बोले नहीं नहीं मुझे तंग नहीं किया एक्चुअली पूरा टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड ऑफ कोर्स शरद एंड द डायरेक्टर एंड एवरीवन रियली हेल्प्ड मी आउट विद एवरीथिंग सो आई थिंक आई गॉट लॉट ऑफ पैम्पर्ड एंड होप कि आप लोग मुझसे भी बहुत प्यार दो एंड ऑडियंस भी दे हमें बहुत प्यार तो दैट्स व्हाट आई थिंक लाइक दैट्स द एक्सपेक्टेशन नाउ Bilkul, I think wishing you all the very best and moving on to Faisal Raza Khan, Faisal Mia photo bhai. Aap chup kyun jaate hain yaar camera ke samne? Arey aap to matlab ye dekhiye hamare naam mein photo hai na isliye chup jaate hain. Ye hamare director saab hai idhar aaiye. Aaiye, peeche aaiye aap. Bataiye kaisa raha? Kitni mushkilein aayi? Main raha. Kitne logo ne kaha release hoga nahi hoga kuch bataiye yaar ye kaisa hua? Arey nahi nahi aise kya? मजा आया बस शूट नहीं इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस लोकेशन नया था टीम नई थी सब एक दूसरे के साथ पहली बार काम कर रहे थे मैं शायद पहले काम कर चुके हैं साथ में लेकिन बाकी जो पूरी टीम थी जो भी टेक्निकल टीम थी और एक्टर्स भी थे सब एक दूसरे के साथ पहली बार काम कर रहे थे और वो भी नए कंट्री नए शहर में तो वहाँ का भी माहौल बिल्कुल अलग था सो एक पिकनिक का माहौल था एक मज़े का माहौल था इनफैक्ट हम लोग एक दिन इस्तांबुल में रुक भी गए थे एंजॉय करने के लिए कि काफ़ी काम करके आए थे और बैक टू बैक शूट था तो एक एक अभी ऐसा देख के चूँकि एक साल पहले आज के दिन हमने शूट ख़त्म किया था तो अभी अब सब कुछ रिकॉल हो रहा है कि अच्छा ये हुआ था अच्छा ये हुआ था सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस आई होप ये गाना चले बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे सो आई एम श्योर कि ये लोगों को पसंद आएगा आप इसको देखिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउनलोड्स कीजिए मुनाफा होगा पैसे के और दोबारा फिर गाना बनाएंगे सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एप्रिसिएशन एंड दैट्स इट ओवरऑल आई एम टोटली आप लोग रीयूनाइट हुए आफ्टर आई थिंक गुड 17 18 इयर्स रूपेश यू एंड शरद तीनों दुल्हन के सवाल जरूर होना चाहिए बड़ी अच्छा सवाल या अच्छा सवाल है हम लोगों ने साथ में दुल्हन में काम किया था मैंने और शरद ने और मैं तो छोटा मोटा एक्टर था शरद उसके हीरो थे और मैं बट बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था और बहुत टाइम के बाद मैं इनके साथ दोबारा हम लोगों ने ऑफकोर्स स्क्रीन तो नहीं शेयर किया बट एक प्रोजेक्ट शेयर किया साथ और आगे भी करेंगे सो बस इनमें तो कोई बदलाव नहीं है कल भी एक उतने ही डिसिप्लिन थे आज भी बट मैं एक खास आदमी को आप लोगों में मिला हुआ जो इसमें नहीं है अल्कोहल प्रेमल प्रेमल वेयर इज प्रेमल प्रेमल इज द डीओपी जितनी खूबसूरती आप यहाँ पे देखा है आपने इसमें मेरा हाथ नहीं है मैंने सिर्फ शॉट टेकिंग है ये जो खूबसूरत दिखाया है जो कलर्स जो पैटर्न वो प्रेमल का है और जो कपड़े आपने देखे वो आरुषि के हैं सो हाँ हाँ मेकअप है मुस्कान का है मुस्कान तुम यार कम 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 गाइस अरे गाइस जिम छोड़ के आ जाओ यार एक मिनट कुछ नहीं बता देते हैं आरुषि मुस्कान प्रेमल सर लव द कॉस्ट्यूम The white and you played with those prints, which your face on your Sharad ke shirt par, if I'm not mistaken. You know, that's like amazing. So yes, I think just to cut a long story short. Thank you guys. हम तो क्या रोते रहेंगे क्योंकि हमारा अपना बच्चा है. But thank you. I think seriously, जो पीछे जितने लोग खड़े हैं, I can see a lot of nice, beautiful faces out there. Thank you for coming. It really, really means a lot to us. And अब बस फोटो सेशंस हो जाएंगे. Thank you, Vidya. Thank you, everyone. बातचीत भी कंटिन्यू है शरद ये मुझे आप ये बताइए इतने सारे म्यूजिक वीडियोस आप कर रहे हैं आजकल इस वाले म्यूजिक वीडियो में आपको ऐसा क्या अलग लगा जो पहले वाले म्यूजिक वीडियो से आपको डिफरेंशिएट आप कर रहे हो कि यस दिस इज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई डू मैं नॉर्मली जो वीडियोस करता हूं तो सबसे पहले ऑडियो सुनता हूं और इसका भी ऑडियो जो मैं पहली बार सुना सबसे कमाल की बात है कि मुझे जब ट्रैक भेजा गया तो मैंने दूसरे ट्रैक का ऑप्शन नहीं मांगा मैंने कहा पहला ट्रैक ही इतना अच्छा हम यही ट्रैक करेंगे सो आई थिंक ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट वोकल से वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद विजुअल्स बात करते हैं बट यस दिस ट्रैक हैज अ लव फीलिंग
इस ट्रैक में बहुत दिल किया हुआ है, इसके दिल इंसान हो गया है। हम सबका हम कोशिश करेंगे कि जो सेकंड पार्ट हमने शूट किया है वो जब भी आए वो भी लोगों को बहुत पसंद है। बट फॉर नाउ दिल इंसान हुआ फर्स्ट पार्ट इज टोल्ड पीपल अगेन प्लीज शो सम लव वगैरह वगैरह एब्सोल्युटली। हेलो जस्टीन हाउ यू yes we have to be more reached tonight so yes guys Faisal I think has a surprise for you, mujhe khud nahi pata hai. Faisal, are you there? What is which body shot he wants to show that to you people? This is for my media family and to all the people out there, so just bear with me for 60 seconds. Okay, fine. Ek aur badi khaas baat jis pe Sharad Mantri shayad chuna sakte hain ki kya baat kar rahe ho tum chalu liye, ye jo pehla music video unhone kiya tha inki car mein chhota sa stunt tha. That was I think kitna hota chhota stunt ekdum chhota hota hai yaar, uske baad ye itna bada hote hote dekho kitna bada ho gaya. Kaan se to itna ye ek solitaire hai pura abhi, iska matlab ye jab unka teesra jo music video aa jayega na iska wo bas kaam ke liye chhut jayega, I'm sure ye 10 carat ho jayega. सब मर्ज हो गया, ये देखो ये भी मर्ज हो जाएगा। अच्छा जी, I have only come for this man. That's so sweet. I'm proud of him. So, thank you. मैंने आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो देखा आपने? जी बहुत अच्छा था। Thank you. और अभी ये तो first chapter है, second chapter we are releasing in mid of June. Oh lovely. सो लेट्स सी, ये पहला म्यूजिक सीरीज है, सो अभी ऐसे और भी चैप्टर्स आते रहेंगे, इसके आगे ही कहानी, इसके आगे ही कहानी। गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेबी। तू बात मैं बात क्या, मैं आप ही की तारीफ करने वाली थी। सो ही इज मेरे मुंह बोले भाईजान है और ही इज डायरेक्टेड द वीडियो, सो आई हैव कम टू एनकरेज हिम टुडे, दैट्स अबाउट इट। वीडियो खत्म ही हुआ था कि मैंने एंट्री की, बट आज गाना रिलीज हुआ तो आई वॉच इट ऑन द यूट्यूब, इट्स अ गुड सॉन्ग। वो नहीं देगा, फैजी नहीं देगा, मुझे पता है। जोक्स अपार्ट, ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, क्योंकि आई रिमेंबर आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले ही यूज़ टू डू फोटोग्राफी ऑल्सो, सो हिज़ सेंस ऑफ फोटोग्राफी इज़ एक्सलेंट। मेरा लाइफ का सबसे पहला फ़ोटोशूट जो है वो फैज़ल ने किया था, और तब से ये मशहूर हुए हैं फैज़ल मियाँ फ़ोटो वाला के नाम से, एंड नाउ ही इज़ डूइंग म्यूज़िक वीडियोस, ही इज़ डूइंग सीरीज़, सो ही इज़ डूइंग क्वाइट मेनी थिंग्स एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, सो आई जस्ट केम टू सपोर्ट हिम। ओ यस, एक्सपीरियंस हैज़ बिन रियली रियली गुड, कुछ नया है, ट्राइंग समथिंग न्यू एज वेल। सफ़र थोड़ा सा छोटा रहा, द शो इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, बट जितना भी सफ़र रहा इट वॉज़ ग्रेट एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू एंटरटेन यू इन अ डिफरेंट वे, सो या। यस यार, फेवरेट तो मैं जब एक बार टेलीकास्ट हो जाएगा तब बता पाऊँगी हु इज़ प्लेइंग वेल एंड हु इज़ डूइंग गुड, बिकॉज आई थिंक वी पिक आवर फेवरेट्स यू नो व्हेन वी सी दैट हु इज़ एक्चुअली यू नो एक्सेलिंग, सो आई कैन ओनली से दैट। अभी इस सीज़न में अरे यस अर्चना गई है, यस आई हैड मेट हर ट्वाइस ऑन हाउसफुल, शी कम्स अक्रॉस like fun chilled girl and I'm sure she shows a lot of courage also there, because khatron ke khiladi mein matlab mind over matter, that's it. Okay, I'll check in 5 days, you'll get to know, uske liye hum fir se milenge, come on.
it's their day, so you just have all the light, you know, all the lights on them. Lastly, Big Boss OTT 3 दिखाने वाला है सीजन 2. क्या आप अपने किसी फ्रेंड को अंदर बंद करना चाहेंगे? जानबूझकर क्यों फेंकूंगी मैं किसी को? हमें तो खुद नहीं पता था जब हम वहाँ थे. So not that I can think of. I think Faisal can be a good candidate. He's quite what do you say? Masaledar. चलिए धन्यवाद. Thank you so much. Good night. होश में रहो ना सब. हाय हेलो तो करो. ऐसे एकदम मरे हुए क्यों? खाया पिया नहीं क्या किसी ने? सब थके हुए लग रहे. सब थकेले लग रहे हो. सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा. शरद इज अ डियर फ्रेंड और फैजल जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. आई लव द सॉन्ग और आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा. एब्सोल्युटली आई वुड लव इट. बहुत मज़ा आएगा. शरद से अच्छी दोस्ती है. हम वर्कआउट भी साथ में करते हैं और हम दोनों ही बहुत लेजी हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते रह जाते हैं आज आप जा रहे हो क्या, आज आप जा रहे हो, इस तरह का हमारा चलता रहता है. एंड यू नो ऑन स्क्रीन अगर हमें काम करना हो तो आई थिंक इट वुड बी फन. इसके अलावा आप मुझे मेरे गानों में देखोगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ मैं कर रही हूँ अभी और मैं बताना नहीं चाहती इस वक्त कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, एक हिंट आपको दे देती हूँ. आप लोग दोबारा मुझे अनूप जलोटा जी के साथ दोबारा देखने वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत हटके किसी चीज़ में. तो आप लोग सब तैयार रहिए और जो ऑडियंस भी देख रही है आप लोग भी तैयार रहिए इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे. मैं ज़रूर जाना चाहूँगी और बिग बॉस इज़ समथिंग जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. जबकि उस घर के अंदर रह के एक महीने में मैं इतना थक गई थी कि मुझे लग रहा था कि प्लीज़ मुझे अब निकाल दो, क्योंकि इतनी यू नो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है बस 12-15 लोगों में. तो बट घर से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यू नो आई मिस दैट हाउस. तो दोबारा मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी आँख बंद करके. मुझे पता ही नहीं है कि कौन गया हुआ है अभी, तो मैं पहले चेक करूंगी कि कौन गया, फिर मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको बताऊंगी कि कितने दोस्त हैं. सिंगर्स में रश्मीत गई है. ओके, आई होप दे ऑल डू वेल, क्योंकि यार बड़ा खतरनाक सा है, बहुत अजीब सा है वो शो. और मुझे हर बार सब पूछ रहे हैं कि आप करना चाहोगे, मुझे इतना डर लगता है. क्या है, पहले ही एपिसोड में जो फर्स्ट एपिसोड होता है उसमें ही वो लोग स्कॉर्पियंस और क्या क्या होता है वो सांप बिप में घुसेर देते हैं, वहाँ पर जाके बोल देते हैं इसके अंदर सो जाओ. मेरे से तो कभी नहीं हो पाएगा. मतलब इफ़ आई हैड टू डू इट बहुत ही मैस हो जाता, मतलब पूरे शो पर आई एम श्योर. बस आई लव यू ऑल और इसी तरह मुझे प्यार करती रहिए. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक शरद आई एम हियर फॉर हिम टू सपोर्ट हिम एंड
मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द रोमांस एलिमेंट, और कितना ब्यूटिफुली उसे शूट किया है, दिल निसार हुआ, एंड आई थिंक हमारा सबका दिल निसार हो गया ये वीडियो देख के. वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट टू सना एंड शरद बोल जी. डायरेक्टर सर भी अंदर हैं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे अभी. देखिए मतलब वही हम कह रहे थे, एक शॉट अंदर ही शूट कर लीजिए, यहाँ मैं भी हूँ, शरद भी है. बट येस, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड कुछ अलग. हम लोग दोनों प्यार भी करेंगे, टकरार भी करेंगे, तो कुछ अलग होने वाला है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू शूट विथ शरद अगेन. और इस बार लास्ट टाइम तो शॉर्ट मूवी थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इस बार काफ़ी टाइम मिलेगा. सो होपफुली यू गाइज विल लाइक आवर जोड़ी अगेन. थैंक यू जी. यस यार, वेरी नाइस, आई एम सो सुपर एक्साइटेड. और मैं देख रही थी किसी को चोटें लग रही हैं, ब्रूजेज ये वो, तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शुरुआत ऑलरेडी हो गई है. एंड आई थिंक ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल आर लविंग शिव, आई ही इज़ माई फेवरेट कंटेस्टेंट एज वेल. सो आई होप ट्रॉफी लेकर आए. या सी, आई थिंक अर्चना का जो एलिमेंट है सबकी फेवरेट है, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मुझे लगता है शिव और अर्चना इस शो में जो ऐड कर पाएंगे वो और कोई नहीं कर पाएगा. एंड आई वुड लव जल्दी से बस स्टार्ट हो जाए, हम लोग एपिसोड्स देखें. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाकी सब देखने के लिए. आई थिंक शिव तो डेफिनेटली लायन है इस जंगल के, तो मैं उन्हें उन्हीं से कंपेयर करूँगी. और अर्चना बहुत कुछ हो सकती हैं, बट आई थिंक वो एक वो हिरन है जो कूद कूद के आगे चली जाएंगी. एंड उनमें वो एलिमेंट है और बहुत फन है, उनको सुनने में मज़ा आता है मुझे. सी, बिग बॉस आता है तो नाम तो मेरा हमेशा ही जुड़ता है कहीं ना कहीं. एंड बस अभी तो इतना ही कह पाऊंगी. एंड कब हो रहा है शो, क्या हो रहा है, मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में पता नहीं है. फिलहाल मैं अपनी सीरीज़ रिलीज़ हुई है मेरी इंस्पेक्टर अविनाश, उसमें बिजी हूँ. सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. सो अभी अपने काम, अभी सॉन्ग शूट करके आई हूँ, 3 दिन बाद उसका रिलीज़ है, आपसे उसके प्रमोशन में भी मिलूंगी. सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी उसमें बिजी हूँ. और जब टाइम वक्त मिल जाएगा और रियलिटी शो से मेरा टाइम क्लैश नहीं होगा, तो आप रियलिटी शो में भी देखें. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, थैंक यू. हुडी खरीदी, टी शर्ट्स खरीदे, कुछ नहीं खरीदे? आपके भाई ने आप लोगों के लिए ब्रांड लॉन्च किया है यार. हाई फाई रेट है? नहीं यार, सस्ता एकदम यार, क्या बात कर रहे हो. हाई फाई तो वो शाहरुख के बेटे वाले हैं यार, आयरन खान वाले हैं, दैट्स हाई फाई. मैंने तो आप लोगों के लिए और लॉन्च किया है, ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार. तो फोटो क्लिक कर लो, आई हैव टू लीव. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वेंचर. इट्स कॉल्ड ZA बाय ZEN. And I am the main owner, I'm the founder of it and the creative director too. And I just want ki aap log please us brand ko promote kare, khareede, acha lage to bataye aur apne friends ko bhi bataye. So but since a very long time I had wanted to come out with a brand jo sabko resonate kare, and it's like a daily wear sort of a thing. And I'm glad the people are liking it. We've been getting orders, so yeah. Also, how was your birthday celebration? We saw a lot of pictures with या सबके साथ था यार. आई मीन मेरे फ्यू फ्रेंड्स वर देयर एंड इट वाज गुड, गुड फन. थैंक यू. मैं किससे बोल रहा था अभी तुम्हारे बारे में? आई थिंक मैं कहीं से. हाँ, सी द फर्स्ट रिएक्शन इज एज द टाइटल सजेस्ट, दिल निसार हुआ. तो वाकई दिल किसी का भी निसार हो जाए, बिकॉज आई बिलीव कि अभी जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक अलग तूफान आया हुआ है, उस हिसाब से इतने सारे गाने हर रोज़ आते हैं, नए नए टैलेंट को मौका मिल रहा है. बट उसमें अगर कोई एक
पार परफेक्शन या फिर एक बहुत खूबसूरती से एक बहुत अच्छा क्लासी गाना अगर आपके सामने आता है और आप एक बहुत अच्छा गाना सुनते हैं तो मज़ा आता है. एंड अनडाउटली द शॉट, यू नो, द एंटायर सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुली शॉट. एंड बीट फैजल फोटू वाला एंड बीट द कास्टिंग बिकॉज ऑल थ्री कैरेक्टर्स आर लाइक लुकिंग सो ब्यूटिफुल. एंड रुपेश हैज़ डन द गुड जॉब. एंड शरद इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज आज तक जितनी भी ऑडियंस ने शरद को देखा है एज एक्टर, बट एक इस सॉन्ग में जिस तरीके से ही हैज़ पोर्ट्रेट एवरी एक्सप्रेशन बीट द जावेद अली म्यूजिक, इट्स वेरी 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 मेलोडियस एंड वेरी गुड. सो ग्लैड टू बी हेयर एंड आई एम एन्जॉइंग द सॉन्ग. और मैं बाकी और लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस गाने को सुने सुने सुने, आपका भी दिल निसार होगा. सॉरी कम अगेन. यस 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 ऑफकोर्स एक सेम इंडस्ट्री में हैं तो वो होता ही है. आई थिंक ही वॉज किंग इन एड वर्ल्ड. ही हैड डन लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट फिल्म बट इट्स वेरी पेनफुल. सी मैं सिर्फ ये कहूँगा, सी द लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पर्टिकुलर दिस केस और समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, बट हर किसी का जीवन, आप मैं आज हम लोग यहाँ पे खड़े करें, आपको नहीं मालूम कब जीवन में क्या हो. तो हर पल हम लोग अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपने लोगों का, एक दूसरे के बारे में खैर खैरियत लेते रहें. मुझे नहीं लगता कि उससे खूबसूरत कोई चीज़ है. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा हो, कहीं ना कहीं अगर यार दोस्त भाई बंद, इनफैक्ट फैमिली पेरेंट्स, किसी को भी कुछ भी मालूम हो इन चीज़ों से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं किसी को सही ट्रैक पे लाना, किसी को सही रास्ता दिखाना, सुधारना, वो सब अपने ही लोगों का काम होता है. राधा देन उस चीज़ को बढ़ावा देने से बेहतर ये है कि उसको रोक दिया जाए. वो दैट इज़ नीड ऑफ एन आर. Yeah, so very soon my film Kagaz Part 2 is coming, and apart from that another web show which is produced by Indemol Shine India, you can see me there. Not really, because जो dates हैं जो मैं web shows या film कर रहा हूँ वो सब बड़ी scattered से हैं, तो और उसके लिए पूरा TV के लिए या एक पूरा एक long stretch में समय चाहिए होता है, वो फिलहाल अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ. तो that's why taking a small break. डिपेंड्स कि वो किस तरीके का शो है. यस 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 ऑफकोर्स यस ऑफकोर्स यस खतरों के खिलाड़ी समथिंग माय कप ऑफ टी दैट आई वुड ऑलवेज वांट टू गो. एंड लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर भी था, बट दैट टाइम आई वाज नॉट कीपिंग वेल सो आई कुडंट गो. बट यस इन फ्यूचर डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड आई नो दैट आई एम गोइंग देयर. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. या Well, it's fab, it's very classy, and I think so. My brother Faisal Raza Khan has done a fab job as a director. Of course, Sharad is a very handsome guy, and obviously the girl also acted very well. And I whole overlooked the whole location, the way it's been shot. I loved each and every part of it. Of course, the music, you know, this kind of music you want to hear in your car or when you're going for a long drive, and this kind of music really give you a lot of soothing effects. Yes. It was very shocking. It was very shocking for me to hear. I just got to know at 4 o'clock in the evening, and I think, you know, God has created everyone. We all have to pass. We all have to leave this Mother Earth one day. But of course, you know, it has left a deep impact in my heart. May Lord Krishna always bless his soul. He was a very sweet guy, very jovial. He was a party person. He was always there for each other. You call him at 2 o'clock in the night, he is always there to help you out. But I think, you know, what all we have to do, we have to only pray for his soul, that it may rest in peace. You said about the party, and party is the reason behind.
I don't think so. This is very right for the any of them to pass this kind of a statement, because there are a lot of rumors. Because I was a lot of people think that a lot of people were talking about him, about that he took some overdose and all. I think it's all bullshit, because it can be an accident. So I think let's leave this in the doctor's hand. The post-mortem reports have not come, and we are not right to, you know, pass this kind of a statement for anyone and create such a wrong rumors. A person who is not between us. I think 6 days pehle. Because I posted one video on the Instagram of the yoga, so he wanted a yoga teacher. So unka mere paas voice tone messages bhi hai Instagram mein. And dunne ne kaha tha he wanted a yoga teacher. So definitely like, to meri 6-7 din pehle baat hui thi unse. Halanki hum log roz nahi milte the, but ye jo ghatna hui hai, it's very sad. It has left everybody into a very shocking mood. So I pray that Lord Krishna bless his soul. जी मैं तो अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करता हूँ और दीज आर द क्वाइंस इज जस्ट लाइक मैंने अभी अपने वहाँ आई एम स्टिल स्प्रिट्स ऑन बंजारा मेरा अभी कलेक्शन खत्म हुआ है बॉम्बे ट्रांस फैशन वीक में सो ऑब्वियसली यू नो आई एम हैविंग अ स्पिरिट ऑफ दैट नाउ आई एम गेयरिंग अप फॉर द न्यूयॉर्क फैशन वीक रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री इंडिया आशा करता हूँ आप सबको मेरा नेक्स्ट कलेक्शन भी बहुत अच्छा लगे जी 2000 की नोट बंद हो रही है यस आपके पास बहुत सारे हैं क्या वेल यस ये तो है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आई थिंक यू नो वी ऑल आई हैव ऑलवेज बीन लाइक यू नो जब नोट बंदी हुई थी तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था अब 2000 की नोट भी बंद कर देंगे तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा थैंक यू वेरी मच डॉक्टर